ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਲੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੇ ਅੱਗ ਘਟ ਵਾਲੀ ਆ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਾ ਪੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਗਾੜੂ ਅਦਰਕ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ ਕੁਝ ਮੱਡ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ और इन लोगों का जो पेशा ज़्यादा ज़राअत ही है बाकी ये थोड़ा बहुत गाय बकरियाँ ये भी पाली हुई होती हैं तो एक कलोनी च किन्ने के घर ने तुहाडे घर तो बहुत ने तो घर पूरा गाँव ही है हाँ डेढ़ कनाल तकरीबन डेढ़ एकड़ डेढ़ एकड़ दे ठीक है ए पिछे कहाँ था ये तुहाडा है भी नहीं पिछे पंजाबी ने अच्छा तो ये पीछे भी एक घर है जी ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗਾਉਂ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਮਤ ਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਜਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਰ 7th ਕਲਾਸ 7 ਮੇ ਤੋ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਨਕੋ ਪਕੜੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਹਮ ਕੋ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰेंगे ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮਾਰ ਪੜੇਗੀ ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਤੋ ਘਰ ਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਵੋ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ देखो सरकारी स्कूलों कोई एडा खर्चा नहीं है ठीक है कपड़ों का ना तुम वैसे अगर साल चार जोड़े लैके देने तो एक यूनिफॉर्म लै दो तीन दूसरे लै दो घर भी तो कपड़े पाने ही है ना उन्हें तो भेजो इन्होंने भाजी स्कूल जिन्हें बच्चे ना सारे भेजो फायदा है ना तो तू इन्हों समझाया करना यार तू सियाना बंदा नहीं नहीं भेजा करो स्कूले भेजा करो हाँ जी चलो बंदे सात बच्चे हाँ जी ये जी इन्होंने थोड़ा बहुत इधर धनिया और थोम लगाया हुआ है थोड़ा सा ये इससे रौनक होती है गाँव में और ये इधर जब सर्दी होती है तो ये सारी गाय वगैरह इधर बांध देते हैं ये चारा काटने की मशीन और ये देखें अभी ये मड के ये अभी चूल्हे बनाए जा रहे हैं ये आई थिंक इनके टूट गए हैं और फिर ये बना के यहाँ पर फिट करेंगे ये इस तरह भी देखें ये काफ़ी ग्रीन क्रॉप्स असल में ये फॉग है इस वक्त तो इसलिए थोड़ा विजन भी क्लियर नहीं होगा बाकी एक घर ये है इनको लॉक लगा हुआ है ये गंदम स्टोरेज के लिए साइलोज जो मैं आपको दिखाता हूँ लोकल दुकान में इसको बड़ोला कहते हैं ये भी थोड़ा है हाँ ये भी चेक करता है ये गाइस सराउंडिंग देखें ये सारा ज़रा इलाका है और लेकिन कुछ एरिया है जो यहाँ पर हाइट पर है जहाँ पर पहले रेत के ना बड़े बड़े टीले थे तो ये फिर गवर्नमेंट ने काट के इनको दे दिए यहाँ पे ये लोग बैठे हुए ए उजले चाचा एक्सीडेंट उस तो बड़ा पाइए था ओके ओके तो एक घर ये है जी कि साग पकाया हाँ जी है और नज़र आ रहा वो तो आवाज़ तो पता लग रहा है फिर पिलर कहते बनाए ने उत्ते छपरा वगैरह बनाया सी पहले बनाना छपरा वो गर्मियों में बनाओगे दिखाऊंगा कि साग कैसे पकाते हैं ये जी अभी नजर तो कुछ नहीं आएगा हाँ ये आ तो ये साग है जी ये इसको पकाने के लिए पूरा दिन लगता है सुबह से लेकर शाम तक फिर इसमें काफी मेहनत होती है लेकिन उसका एक फायदा होता है की ये 8-10 दिन खत्म भी नहीं होता फिर एवं ही है ना 8-10 दिन तो चल जाता तो ये देखें जी छोटा सा घर है एक ये चोलस्तान के एज के ऊपर ही है
ये यहाँ पे आग वगैरह जलाने के लिए ये इन्होंने छड़ियाँ रखी होती हैं, उससे आग जलाते हैं। और खाना वगैरह दो ही कमरे हैं इनके पास। ऐसे बेच की रख दो लून मिर्च रखी है तो कुकड़ शुकड़ नहीं रखे नहीं। तो बाकी वो खाना पका के फिर टोकरे थले तो किड़ियाँ नहीं चढ़ दी नहीं। अच्छा तो हूँ की पकान लगे जो तुसा मेरा नाम मोहन राम। मोहन राम की हाल है? वो खुश हो? की करता है? कुछ नहीं, घर के काम। घर के काम किड़े काम करता? बकरियां रखी हैं, बकरियां पट्ठे पट्ठे पाना। अच्छा सही है। कितनी बकरियां रखी हैं? कहा 6-7 बकरियां। 6-7 ने सही है। इस गांव का एक घर ये अंडे शंडे वेचो हुण सर्दियां हैगियां ने के माल डंगर किन्ना क रख्या है? तुहाडियां ने बकरियां ते गावां? हां बकरियां ने। ते पट्ठे फिर कित्थों अपना उधारे दूरे ते या कढ के लैंदे जे? जनाब कुछ कढ के कोई मुल लै के। ठीक है, ते हुण जरिया माश की है? सिर्फ अपना यही माल डंगर पाल दे हो या वाई भी रखी है? नहीं नहीं बस यही है। सिर्फ यही? सिर्फ माल डंगर। ते गुजारा हो जांदा इहदे नाल? बस जी फिर हुण की करिए, गुजारा थकणा ना। नहीं वो तो है। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते ने कि नहीं? बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों? कोई जाते ने कोई नहीं जाते। किड़ी क्लास पढ़ता वो? वन। ना की है? किसा। किसा। तो हुण ते इन्ना खर्चा भी कोई नहीं पढ़ाई जाता? गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कूल जड़े वो पैफ दे अंडर आ, किताबां भी फ्री मिलदियां ने। हुण ते पढ़ाओ तुसीं बच्चे? पढ़दे नहीं ना। इन्हां नहीं तुसीं उन्हां नूं पढ़ाओगे ते पढ़ेंगे? हाँ चार बच्चे एक ये पूरे कानूनी जो है ना, पूरे कानूनी सारे है ना गांव, एक एक पुत्र ने सारे, यानी कोई प्यो दे आगे सारे पुत्र है। हां जी ए तो हुन आगे कानूनी वधूगी, हुन कट देनी नहीं, हुन तो वधनी है देख ना। हां हां जी, हां असि उस मुंडा जरा परे खलोता, हुन ओदा रिश्ता देखेंगे, हुन ओदी करेंगे। 3-4 मुंडे बड़े है गलो, बस पूरे ना मुंडे बड़े है गए, 15-20 मुंडे है गए, देर शादी में करेंगे। जना दे करोगे? हां जी। तो फिर जगह तो थोड़ी हो जानी है? जगह थोड़ी हो जाने तो फिर आगे मोल लेंदे रहेंगे, आगे बड़ी फसल पई है। फसल हो इतनी जमीन पई है? हां जी, सारे मोल ले ले के बैठ जाएंगे। अच्छा तो सरकारी मोल ले, 50,000 मर ले, किसे ले? ठीक है, या तो किसी को चंगे बड़े कानून तोड़ दें, 7-8 किले दी, फिर उठे जाके बवांगे पूरे कानूनी।